मकबैंग की शुरुआत हुई थी कोरिया में एज एन ऑल्टरनेटिव। जो लोग अकेले खाना नहीं खा सकते थे वो यूट्यूब पर जा सकते थे, ईटिंग शो कर सकते थे एंड प्रिटेंड कर सकते थे कि दे आर हैविंग सम कंपनी। स्टार्टिंग में एक वेल इंटेंशन ट्रेंड था बट अब ये रियली डिफरेंट चीज में इवॉल्व हो चुका है। नाउ देयर इज अ डार्क साइड ऑफ यूट्यूब जहां पे मकबैंगर्स ट्राई रियली हार्ड सो दैट वो कैमरा के सामने एक शॉक वैल्यू क्रिएट कर सके। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके क्रेजी बिहेवियर्स भी हैं लाइक ईटिंग लाइव एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज एक सिटिंग में खाना, रोना धोना एंड बहुत कुछ। काफी यूट्यूबर्स के लिए तो मकबैंग करना इज वर्थ द ट्रबल बिकॉज कैमरा के सामने खाना खाना इज देयर इनकम सोर्स बट इसका हैवी प्राइस भी उन्हें पे करना पड़ता है। मकबैंग के साथ आते हैं सीवियर हेल्थ इश्यूज, बैड ईटिंग हैबिट्स एंड सो मच कॉन्ट्रोवर्सी। बट ईटिंग शोज ने सिर्फ मकबैंगर्स को ही नहीं अफेक्ट किया है, जो व्यूअर्स इन मकबैंगर्स को देख रहे हैं दे आर गेटिंग डैमेज टू। सो कीप वॉचिंग अगर तुम यूट्यूब मकबैंगर्स की डार्क रियालिटी देखना चाहते हो तो। मकबैंग कम्युनिटी में डिफरेंट ट्रेंड्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोग ASMR कंटेंट बनाते हैं, दूसरे ईटिंग चैलेंजेस करते हैं एंड सम पीपल डू अ सेक्सी स्पेक्टिकल आउट ऑफ देयर मील। कुछ लोग सी फूड खाते हैं जहां पे क्रंचेस एंड स्लर्पिंग्स होती हैं बिकॉज ऑफ द सी शेल्स एंड ऑल दैट, जो व्यूअर्स को काफी अपीलिंग लगता है। इनमें से मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है साउथ कोरियन मकबैंगर सो यंग विद ओवर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उनकी काफी वीडियोस के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया हुआ है लाइक सो यंग खुद को फिल्म करती है व्हाइल ईटिंग लाइव एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, प्रॉन्स एंड डिफरेंट फिशेस, एंड वो एक स्पेक्टिकल बना के रखती है लाइक शी इज स्क्रीमिंग, जंपिंग एंड गेटिंग स्केयर्ड। खाने से पहले ये लाइव एनिमल्स स्विम एंड मूव कर रहे होते हैं। इंडिया में भी मकबैंगर्स की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैडी ईट्स पहले अपनी वीडियो में कुछ ऐसी दिखा करती थी बट लास्ट 2 ईयर से उन्होंने इतना सारा फूड कंज्यूम कर लिया है कि उनके खुद के व्यूअर्स को मैडी ईट्स के वेट में डिफरेंस फील होने लगा है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडियन यूट्यूबर्स जो ईटिंग डिसऑर्डर्स प्रमोट कर रहे हैं मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि कैमरा के सामने हम भी इतना सारा खाना खा सकते हैं। बट असलियत ये है कि तुम अगर इतना सारा खाना खाओगे तो तुम्हारी बॉडी गेंडे जैसी हो जाएगी और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे बिकॉज यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मकबैंगर्स 3-4 किलो बिरयानी चबा रहे हैं या फिर चाइनीज फूड खा रहे हैं। बिरयानी वगैरह में तो चलो कभी कभी कलर नहीं डलता बट चाइनीज फूड में तो कलर और अजीनोमोटो इतना डलता है कि यू कैन इमेजिन कि वो बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफी मकबैंगर्स चॉकलेट खाते हुए भी वीडियोस बनाते हैं। मतलब इतना सारा चॉकलेट चबाने के बाद तुम्हारा शुगर लेवल कहां तक पहुंचेगा कैन इवन इमेजिन, यू कैन हैव डायबिटीज एंड अ स्ट्रोक एज वेल। इतने सारे मकबैंगर्स जो ये वीडियोस बनाते हैं इट्स देयर पर्सनल चॉइस, वो बना सकते हैं बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपने व्यूअर्स से सच्चाई छुपाते हैं कि वो इतना सारा खाना चबाते और हजम कैसे करते हैं। अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कैमरा बंद होने के बाद पर्दे के पीछे ये मकबैंगर्स क्या करते हैं बिकॉज कैमरा के सामने ये सब चीजें वो तुम्हें नहीं दिखाने वाले क्योंकि कैमरा के सामने तुम्हें हैप्पी एंड खाना चबाते हुए मकबैंगर्स नजर आते हैं ना। बट कैमरा के बंद होते ही इन्हीं मकबैंगर्स ने कंप्लेन की है कि इनको रात को नींद ही नहीं आती एंड इतना सारा स्पाइसी फूड बल्क में खाने की वजह से इनके पेट में आग लग रही होती है। एंड काफी मकबैंगर तो ऐसे होते हैं कि इतना सारा खाना खा तो लेंगे बट बाद में जाके उसको वॉमिट कर देंगे। सो बायोलॉजिकली वो खाना कभी हजम ही नहीं होता और वो यूट्यूबर AKA मकबैंगर कभी वेट ही गेन नहीं करता। और एक मेथड जो ये यूज़ करते हैं कि ये सारा खाना एक बार में नहीं खाते, ये ब्रेक ले लेके खाते हैं। और अगर तुमने इनकी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो इनकी वीडियो में इतने सारे कट्स होते हैं और कट्स का रीज़न ही ये है कि ये ब्रेक लेके खाना खाते हैं। एक बार खाना खाएंगे, आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे या फिर वॉमिट कर देंगे, सिस्टम क्लीन, अगेन चबाना चालू। ये है तरीका उनका खाना कंप्लीट करने का और ये चीज़ वो तुम्हें कैमरा के सामने कभी भी नहीं बताते। सो डोंट फॉल फॉर इट। एंड जितने भी ये मकबैंगर्स को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डिप्रेशन भी होता है। आप कमेंट में आके ये मत बोलना कि कैमरा के सामने तो ये बड़े हैप्पी नजर आते हैं, कैमरा बंद होने के बाद वो फेस हैप्पी है या सैड है ये बोलना बहुत मुश्किल है। प्लस ऐसी वीडियोस देख के तुम भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो बिकॉज जब तुम ऐसी वीडियोस को बार बार देखते हो कि इतनी सारी क्वांटिटी में लोग खाना खा रहे हैं एंड इतना टेस्टी खाना खा रहे हैं तो यू थिंक इट्स डिलीशियस, राइट? फिर तुम्हारा ब्रेन सोचने लगता है कि तुम्हें घर पे जो खाना मिल रहा है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है और इतना टेस्टी नहीं है। यू स्टार्ट कंपेयरिंग। एंड तुमने नोट किया होगा कि मकबैंग वीडियोस देखने के बाद तुम्हें ज्यादा भूख लगने लगती है and that's the reason कि viewers को भी eating disorders हो सकते हैं। मकबैंग का एक अडल्ट साइड भी है। एक तरफ तो तुम्हें ब्यूटीफुल गर्ल्स खाना चबाते हुए नजर आती हैं एंड दूसरी साइड एक डार्क किंक भी है जहां पे गर्ल्स का वेट पुट ऑन करता हुआ देख के लोगों को प्लेजर फील होता है टिल द टाइम दीज गर्ल्स बिकम इमोबिल। दैट्स वाई काफी मकबैंगर्स ने तो अडल्ट मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया एंड काफियों ने तो ओनली फैंस अकाउंट ओपन कर लिए हैं। इनमें से अमेरिकन यूट्यूबर ट्रिशा पेटिस इज द वन जिसने US में मकबैंग कम्युनिटी को पॉपुलराइज किया है। उनका कॉन्टेंट हमेशा अडल्ट की तरफ फोकस रहता है एंड मकबैंग इज नो एक्सेप्शन। उनकी कुछ वीडियो का टाइटल है
Watch Hot Girl Eating Buffalo Wings. Must watch. So hot. And there is another one that is called After Sex Pizza Mukbang. जिसमें वो ये बताती हैं कि उन्होंने एक अडल्ट वीडियो बनाई थी इन्वॉल्विंग पिज्जा एंड बाद में उन्होंने उस पिज्जा को खा लिया। काफी लोग तो अपने फूड के साथ के रिलेशनशिप को एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे वो खाना खाना बंद कर देते हैं या फिर सीवियर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ ये दोनों एक्सट्रीम्स ही हेल्दी नहीं है, बट कैमरा के सामने खाना खाना या फिर पूरे दिन भूखे रहने से उन्होंने एक इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, बट ईटिंग शो से ज्यादा ये एक हेल्थ डिटोरिएशन शो बन चुका है। ऑन अ ब्राइटर नोट, मकबैंग के रिगार्डिंग सारी चीजें टेरिबल एंड डेंजरस नहीं होती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये ट्रेंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो मैल न्यूट्रिशन एंड अंडर ईटिंग को फेस कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड ग्लूटेन एलर्जीज हैं, वो लोग इन मकबैंग्स को देख के हैप्पी फील कर सकते हैं। सैडली नेगेटिव साइड्स पॉसिबल बेनिफिट्स को आउटवे कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे कंटेंट में ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स, बट ये एनिमल क्रुएल्टी जैसी वीडियोस जो सो यंग प्रमोट करती है बिकॉज ऑफ दैट। बट ये मकबैंग का ट्रेंड काफी टाइम तक रहने वाला है एंड ये व्यूअर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मकबैंग देखना पसंद करते हैं। क्या तुम भी मकबैंग्स देखते हो? किस टाइप के मकबैंग्स तुम्हें पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर अभी तक तुमने डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया पार्ट 2 नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, और अगर डार्क साइड ऑफ यूट्यूब न्यूज देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।